क्या लिखना है बताओ जल्दी से। इसमें बेसिकली ये लिखना है कि जो चेंजेस हुए हैं इंडिया के अंदर, अकर्ड इन इंडिया ड्यू टू द अडॉप्शन ऑफ द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, जो लिबरलाइजेशन हुआ और ग्लोबलाइजेशन हुआ यहां पर इंडिया के अंदर। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या बताया था कि जिसमें हम बात करेंगे फ्री ट्रेड की, ठीक है, किसकी, फ्री ट्रेड की, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन में क्या होगा कि एक कंट्री दूसरी कंट्री, ये ए कंट्री है ये बी कंट्री है, इनके आपस में ग्लोबलाइजेशन मतलब कि हम अपनी एक एमएनसी जो है वो बाहर जाकर खोल सकते हैं, बहुत सारी कंपनी वगैरह खुल सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन का समझ आ गया कि फ्री ट्रेड है जिसमें कोई नो रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। और इस पॉलिसी का मतलब तुम्हें पता ही है कि एक कंपनी जो है वो कई सारी देशों के अंदर अपनी कंपनी को सेटअप कर सकती है, वहां पर अगर के डेवलपमेंट वगैरह जो है वो कर सकती है, अपने रिसोर्सेज का यूज कर सकती है। चलिए तो सबसे पहला पॉइंट जो इसका आंसर हम बनाना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले पॉइंट हम लिखेंगे कि जब ये लिबरलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन होगा तो एक यहां पर जो कंट्री होगी उससे सबसे बढ़िया चीज क्या मिलेगी, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है भैया। जहां पर उसके पास में एक लिमिटेड चॉइस थी, यहां पर उनके पास में बहुत सारी चॉइसेस हो जाएंगी एक ही चीज की, उनके पास में बहुत सारी कंपनियों की चीजें होंगी और अलग अलग जो है लेवल पर अलग प्राइसेस उनका सेट होगा यहां पर, क्लियर है। चलिए सेकंड पॉइंट क्या होगा इसे एक्सप्लेन कर लीजिएगा। सेकंड पॉइंट क्या होगा, यहां पर होगा डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसका डेवलपमेंट होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बनेंगी, बड़े बड़ी यहाँ पर जो है हॉस्पिटल्स वगैरह भी बन सकते हैं, क्योंकि उनके जो वर्कर्स हैं उनका ध्यान रखने के लिए वो यहाँ पर हॉस्पिटल्स वगैरह या स्कूल्स वगैरह का डेवलपमेंट कर सकते हैं उनके बच्चों के लिए। तो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, रोड्स वगैरह बेहतर हो जाएंगे, कम्युनिकेशन जो है ट्रांसपोर्ट वगैरह जो है वो भी सब डेवलप हो जाएगा, तो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होता हुआ दिखेगा इसके अंदर, ठीक है। दूसरी पॉइंट तो क्लियर है। तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि इसमें बूस्ट देखने को मिलेगा इन एफडीआई, यहां पर एफडीआई के अंदर बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा। और वो बूस्ट क्या है कि जो यहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, यहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, बाहर की कंपनियां आपके यहां पर आके पैसा लगाना स्टार्ट कर देंगी, जी वो उस वाली कंट्री की जो कंपनी है वो आगे यहां पर पैसा लगाया उसने तो हम भी आगे लगाएंगे इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर पैसा, ठीक है। तो यहां पर आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखने को बहुत मिलेगा, वो डेवलपमेंट करनी स्टार्ट कर देंगे यहां पर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट यही होगा कि तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया और हाँ आप इसमें ये भी सकते हैं कि यहां बूस्ट होगा टू द सर्विस सेक्टर, टू द सर्विस सेक्टर। आपने देखा इंडिया के अंदर अब धीरे धीरे क्या हो रही है, सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ रही है। पहले अपन लोग एग्रीकल्चर पे काम कर रहे थे, अब हम टर्जरी सेक्टर या ये जो आपका सर्विस सेक्टर है इस पे काम कर रहे हैं। तो एक तरह से यहां पर भी आपको बूस्ट देखने को मिलेगा कि लोगों का जो लोगों का इंटरेस्ट होगा वो सर्विस सेक्टर की तरफ ज्यादा बढ़ जाएगा यहां पर, ठीक है। और साथ साथ यहां पर क्या होगा, फिफ्थ बूस्ट टू इंडियन लोकल कंपनीज, जो लोकल कंपनीज होंगी या इंडिया की कोई कंपनीज होंगी उनको भी यहां बूस्ट मिलेगा। तो ये पांच सबसे बड़े चेंजेस लगते हैं जो इंडिया में आए हैं आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का आता है, ठीक है, और आप इसके अंदर इसे पूरा एक्सप्लेन करेंगे एंड देन उसके बाद में एक एक पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे ऐसे, ठीक है। फिर इनके दो दो तीन तीन लाइन एक्सप्लेन कर देंगे, बूस्ट इन एफडीआई, डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे लोगों को, बूस्ट टू द सर्विस सेक्टर, बूस्ट टू द इंडियन लोकल कंपनीज। तो इस हिसाब से यहां पर ये आपने एक्सप्लेन करना है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये बेसिकली, ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं।